अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे घर में यस मैं बाहर बैठा था और वहाँ पे ये मुझे तो दिख रहा है, काइट ही दिख रहा है, थोड़ा इंजर्ड हुआ है, जख्मी है, और उसके पीछे कौवे उसको अटैक करते हुए आ रहे हैं। मैंने पानी रखा हुआ है, अभी देखेंगे अगर चिकन खाएगा या ब्रेड जो भी है, हम ज्वारी भी आस्ते आस्ते लेके आने वाले हैं, खिलाएंगे, देखते क्या होता है। Gonna be a billion-dollar moment soon. Dekho. There we go. There we go. Come on, come on. Go for it. Ready? Wow, perfect. Ye lo. Ye baat hui. This is special moment, isn't it? जो दोपहर को हम कह रहे थे कि ये बर्ड बहुत तकलीफ में है, अभी स्लोली स्लोली मुझे दिख रहा है कि रिकवर होते हुए, मगर एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हैं सर्प से जो ये सारी मुसीबतें इनकी दूर करते हैं। हमारे साथ है संतोष और चैतन्य, मैं उनको वहाँ तक लेके जाने वाला हूँ, और जो एक्सपर्ट्स काम करते हैं उनका टच कुछ अलग ही होता है, तो उनके हाथ में छोड़ देते हैं। पकड़ लेना, बाहर बाहर घूम जाते ना तो इकड़े गला तो प्रॉब्लम है। नहीं आई थॉट भरपूर ज्यादा डिफिकल्ट है सर, मुझे लगा कि बहुत मुश्किल रहेगा, मगर वी ऑल सॉ नॉट मोर देन 5 सेकंड्स लिटरली। बेसिकली इट्स अ कॉमन बर्ड नेम्ड एज ब्लैक काइट एंड इट्स जुवेनाइल एंड थोड़ा सा डिहाइड्रेशन आहे, त्याला थोडा डिहाइड्रेशन है, but I don't think so it will take much time to get cure, hardly okay. 10 to 5 days oh, or very more than good. That so that's and then fantastic. We can back release to in the wild फिर उड़ पाएगा फिर। Excellent. मेरा मैसेज यही है कि अगर कहीं ऐसे कोई भी एनिमल या बर्ड मुसीबत में रहे, क्लियरली आपको दिखता है कि सर नॉट इन अ पोजिशन टू फ्लाई, तो सर को फोन कीजिए, इनका हेल्पलाइन नंबर आप कहना चाहेंगे? जरूर 9821-34056 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये उनका ख्याल रखेंगे। इट इज एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग, बिलीव मी, आई एम श्योर यू विल डू इट। थैंक यू। काफी डिहाइड्रेट हुआ है तो हम यही कोशिश कर रहे थे थोड़ा बॉडी टेम्परेचर नीचे लाने के लिए। आई थिंक जब हम क्रिकेट खेलते थे तभी भी यही मुसीबत होती थी, धूप में खेल के बॉडी टेम्परेचर बहुत ऊपर जाता था तो आइस बाथ लेते थे, तो दिस इज़ काइंड ऑफ एन आइस बाथ। गेट वेल सून माई फ्रेंड। तीन दिन पहले इन्होंने मुझे कहा था कि इसे 5 से 10 दिन लगेंगे रिकवरी के लिए, मगर सर्प एनजीओ ने कमाल कर दिखाया है, 3 दिन में सिर्फ रिकवर किया है इसे, इसका ख्याल रखा है, एंड द बर्ड इज
फिट एंड फाइन टू फ्लाई. मैं यही कहूँगा कि माय फ्रेंड यू आर मेंट टू फ्लाई, सो टेक ऑफ, कम ऑन. That's good. मेरा मैसेज यही रहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी गर्मी हो रही है. जैसे सर एनजीओ से भी मेरे सारे दोस्त यही कह रहे थे ना, अगर लोग उनके घर के बाहर या अपने टेरेस पे भी एक छोटे बर्तन में पानी रखेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा. उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर पानी रखेंगे घर के बाहर. थैंक यू.